जयपुर में एक लड़की के बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया है। 9 महीने पहले उसने लव मैरिज की थी। कथित पति ने डिलीवरी के लिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। आधार कार्ड में नाबालिग होने का पता चलने पर हॉस्पिटल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। सोडा थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच SHO सुरेंद्र सिंह कर रहे हैं। पुलिस ने बताया, पश्चिम बंगाल की रहने वाली लड़की ने जनवरी 2024 में आरोपी कथित पति से लव मैरिज की थी। उसके बाद से दोनों सोडाला इलाके में किराए से रह रहे थे। कथित पति ने डिलीवरी के लिए उसे महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में भर्ती करवाया गया। हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी से उसने बच्चे को जन्म दिया। हॉस्पिटल स्टाफ की ओर से लड़की का आधार कार्ड की कॉपी मांगी गई। आधार कार्ड में लड़की की उम्र 13 साल अंकित मिली। हॉस्पिटल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। नाबालिग लड़की के बच्चे को जन्म देने का पता चलने पर हॉस्पिटल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। सोडाला थाना पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर मां बनी लड़की के पर्चा बयान लिया। पर्चा बयान में लड़की ने आधार कार्ड में उसकी उम्र 13 साल अंकित होना बताया, जबकि असल में उसकी उम्र 18 साल से अधिक होना बताया। पुलिस ने आधार कार्ड में नाबालिग होने के चलते कथित पति के खिलाफ मामला दर्ज किया। SHO सुरेंद्र सिंह का कहना है कि आधार कार्ड में लड़की की उम्र 13 साल अंकित है। लड़की के अन्य डॉक्यूमेंट की जांच करने पर बालिग होना सामने आया है। उसकी उम्र 18 साल 6 महीने करीब है।